पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और कोलकाता के मेयर और बंगाल के शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद खान ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोलकाता वैभवशाली संस्कृति से भरा हुआ है। बंगाल भूमि की पवित्र महक को नमन करने का वक्त है। आज बंगाल समेत भारत की कला और संस्कृति का बहुत महत्व है। इसे संरक्षित करने और बढ़ाने का अभियान बंगाल की धरती से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। मोदी ने कहा कि युवा अवस्था में भी बंगाल की भूमि मुझे यहाँ खींच लाई थी। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखे ताकि देश हेरिटेज टूरिज्म के रूप में उभरे। इससे रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। इस कार्यक्रम के बाद रविंद्र सेतु और हावड़ा ब्रिज का संरक्षण होगा। सरकार अपने अभियान में सबसे पहले कोलकाता, वाराणसी, अहमदाबाद के ऐतिहासिक स्थलों पर संरक्षित कर रही है। इसके बाद दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में मौजूद म्यूजियम को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कोलकाता भारत के सर्वोच्च सांस्कृतिक स्थानों में शामिल है। यहाँ की 4 आर्ट गैलरी के नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन पलों को स्वयं जी रहा हूँ जो उन महान चित्रकारों, कलाकारों, रंगकारों के रचे हैं, जिए। बांग्ला भूमि की, बंगाल की मिट्टी की सद्भुत शक्ति, मोहित करने वाली महक को नमन करने का मेरा अवसर है। इससे जुड़े अतीत और वर्तमान के सभी जनों को भी मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल सहित भारत की कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत बड़ा दिन है। भारत की कला, संस्कृति, अपने हेरिटेज को 21वीं सदी के अनुसार संरक्षित करने और उनको रीइन्वेंट, रीब्रांड, रिनोवेट और रीहाउस करने का राष्ट्रव्यापी अभियान आज पश्चिम बंगाल की इस मिट्टी से शुरू हो रहा है। इस अभियान का बहुत बड़ा लाभ कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को तो मिलना ही मिलना है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के आर्ट और कल्चर से जुड़े आप सभी साथियों को और कला संस्कृति के लिए समर्पित बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परंपरा और पर्यटन ये दो ऐसे विषय हैं जिनका हमारी हेरिटेज से और हमारे इमोशंस से, हमारी पहचान से सीधा कनेक्ट है। केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने नए रंग रूप में रखें ताकि भारत दुनिया में हेरिटेज टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनकर के उभरे। हेरिटेज टूरिज्म का पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल होगा। इससे पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में रोजगार के अनेक अवसर भी बनेंगे। इस कार्यक्रम के बाद रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने के लिए इंटरैक्टिव लाइट एंड साउंड सुविधा भी आज आरंभ होने जा रही है। साथियों, देश की हमेशा से ये इच्छा रही है कि अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का संरक्षण भी हो और
उनका आधुनिकीकरण भी हो। इसी भावना के साथ जुड़ते हुए केंद्र सरकार देश की ऐतिहासिक इमारतों को रिनोवेट कर रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।